कश्मीर के बड़गाम इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पिछले चार दिन से अपने घर से लापता एक लड़की का शव क्षत विक्षत हालत में आज पुलिस ने बरामद किया। पूरे कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। आज तक जब हम देख रहे थे ना, कश्मीर के बड़गाम जिले के सोईबग इलाके से पिछले चार दिनों से लापता एक लड़की की लाश आज पुलिस ने बरामद की, जिसकी लाश आज टुकड़ों में पाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी जो लापरवाही यहाँ पे हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है, क्योंकि सात दिन पहले इसका FIR रजिस्टर हुआ है, सात दिन बाद आज लाश मिल रही है। अगर पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन कर लेती, पहले इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा सख्ती बरती थी, तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता। सबसे बड़ी फेलियर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही ज़रूर हुई है। अगर सात दिन पहले इस बंदे जिसका नाम शबीर है उसके साथ जाती हो जाती या उसकी अच्छी से इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो कुछ हासिल हो जाता। सात दिन बाद आज उस बच्ची की लाश टुकड़ों में पाई गई है। ये एक सानिया हमारे कौम के लिए भी है और पूरी कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही गुजारिश कर सकते हैं, देखिए इसमें हम पुलिस का कोई रोल नहीं है, एक ही रोल है, हम पुलिस से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो चार्जशीट फाइल करे और इस केस को, जिसको हम बोलते हैं रेयर ऑफ द रेयरस्ट केस माना जाए। क्योंकि देखो एक मर्डर केस में अगर हम देखें तो उसमें एक लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होता है, 7 साल या 9 साल की सज़ा होती है, लेकिन ये रेयर ऑफ द रेयरस्ट केस माना जाए, जहाँ पे हम ये डिमांड करें कि उसको फांसी दी जाए। ये सारी कश्मीर की एक डिमांड है, न कि सेवू की डिमांड नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की डिमांड नहीं है, ये पूरी कौम की डिमांड है। इस केस को जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल किया जाए और इसको रेयर ऑफ द रेयरस्ट केस माना जाए, क्योंकि एज पर द इंडियन पैनल कोड की तरफ से भी IPSC जो हमारे जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है उस हिसाब से इसको प्रॉम्प्ट केस में ये रेयर ऑफ द रेयरस्ट केस माना जाए, जहां पे इस बंदे को, शबीर नामी बंदे को फांसी दी जाए। ये हमारी डिमांड है, पूरी कौम की डिमांड है, पूरी कश्मीर की डिमांड है। आज से पहले ये केसेस हम UP बिहार या बाकी जगह देख रहे हैं, ये सानिया पूरे कौम के लिए भी है। ऐसा आज तक कभी हमने नहीं देखा, जिस लड़की को, ये जो शबीर है ये इनके घर आता जाता था, इनके घर से अच्छा रिस्पांस भी था, लेकिन जिसको ये बोलते हैं ना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये वही वाली बात है।